लेकिन इलेक्शन की तरफ अगर जाता है तो उस सूरत में ये होगा कि शहबाज शरीफ और राजा सॉरी वो राजा रियाज जो है वो बैठ के निगरान सेटअप बनाएंगे, तो क्या इमरान खान का इस पूरे स्टेट में इस पूरे मामले में कोई स्टेक नहीं होगा? होना चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ कर ये मामला तय किया जाए। तो इसके ऊपर बातचीत अभी देखो कब शुरू होती है। बैकडोर चैनल एक्टिव तो है लेकिन उस तरह से फॉर्मल तरीके से नहीं है, इनफॉर्मल बातचीत चल। अच्छा कादर भी, आपको लगता है कि ये जो खान साहब अभी तखीर का इसको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, ये थोड़ा सा खान साहब के अगेंस्ट भी जा सकता है? जैसा कि खान साहब ने अप्रैल 2022 में थोड़ी सी तखीर की तो सारे मामला खान साहब के हाथ से निकल गए थे, तो आपको लगता है कि ये जो दो असेंबली वाला एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कार था जिसने अपोजिशन हुकूमत को हिला कर दिया, तो अब ये जो थोड़ा सा जो तखीर का शिकार हो रहा है मामला, ये खान साहब को कहीं ना कहीं पर आगे चलकर कोई डैमेज कर सकता है या फिर ये चाल उल्टी भी पड़ सकती है? इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल इस नहज पर पहुंच चुकी है ना कि गलती की गुंजाइश दोनों के पास नहीं है, ना हुकूमत के पास है, ना ऑपोजिशन के पास है, ना खान के पास है, ना मीडिया के पास है। एक जरा सी भी गलती, एक गलत मूव अब दोनों के ऊपर बात पड़ सकती है और बहुत भारी पड़ सकती है। किसी के हाथ से मुकम्मल इख्तियार जा सकता है और किसी के हाथ से और बहुत कुछ जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना ये पूरी एक कैलकुलेटेड मूव है। खान साहब को पता था अनाउंस करने से पहले कि ऐसा नहीं है कि कल ही ये अनाउंस कर दी जाएगी या कल डिजॉल्व हो जाएगी। असेंबलियों का डिजॉल्व होने का मतलब है एक ये बहुत बड़ा झटका होगा हुकूमत के लिए, और हुकूमत के पास भी बहुत सारे कार्ड होंगे कि वो इसको किस तरह से काउंटर करे। उन काउंटर किए जाने के नतीजे में इमरान खान साहब को सियासी तौर पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज वो गवर्नर रात की किसी बूथ की तरफ जाते हैं या जितनी इंतखाबात वाली बूथ पर जाते हैं तो 10-12 सीटें होने चाहिए, तो वो फिर पंजाब में अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो क्या एक ऐसी सिचुएशन में जाना कि वो फिर से पंजाब में उनकी हुकूमत आए और उसके बाद आम इंतखाबात होंगे, खान साहब को सूट करेगा या नहीं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बार 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 कैलकुलेट करके सोच समझ के रिमूव की गई, और ये सबको पता था मतलब अनाउंस होने के बाद। ये क्लियर थी सिचुएशन के लिए, एक आध दिन का मामला नहीं, इसमें तातुल आना है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, अभी बहुत सारे लोगों को और को भी ऑनबोर्ड करना है, तो उसके लिए टाइम मेरा ख्याल है जरूरी है, लिया जाना चाहिए। अभी आवाम को भी कोई जल्दी नहीं है, लोग ये भी नहीं कह रहे कि बस करो तहरीर, अभी करो अभी करो, इस बारे में सोच समझ के फैसले हो। अच्छा आखिर पर ये बताइएगा कि आज सारा दिन सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश करती रही है कि इमरान खान की जो अपनी जमात के लोग हैं वो भी अब इस डिसीजन से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, ये सिर्फ क्यास नहीं है या फिर एक जो एक गुमराहकुन खबरें जो हम जिनको कहते हैं ये वो खबरें हैं, या फिर कहीं ना कहीं पर खान साहब की जो अपनी जमात के भी लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि ये दोनों असेंबली स्टिल रिजॉल्व ना करें तो हमें इस सिस्टम में रहना चाहिए? देखो कोई भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो खान साहब के डिसीजन के अगेंस्ट चला जाए। इस टाइम सारी पार्टी यक जुबान होकर कह रही है देखो किसी का क्या स्टेक है पीछे, नेशनल असेंबली से उन्होंने रिजाइन किया हुआ है, सूबाई असेंबली जिस तरह से चल रही है आपको पता है, तो वो लोग भी थके हुए हके हुए, वो कह रहे ठीक है आपने रिजाइन कर दे। कुछ लोगों ने रिजाइन लिख के रख लिया हुआ है, मेरी किसी एमपीए से बात हो रही थी फोन के ऊपर, मैंने कहा आपकी इजाजत है मैं रिकॉर्ड कर लूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल कर ले आप रिकॉर्ड, वो रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि मैंने रिजाइन लिख के रख लिया है, इमरान खान को मैं पेश करूंगा जब वो कहेगा मैं दे दूंगा। तो एक खबर चली कहीं पे, एक मैं नाम नहीं लेता उस बंदे का, उससे मंसूब खबर चली एक टीवी चैनल की वेबसाइट के ऊपर कि फलां बंदे ने ये कहा है कि इमरान खान का असेंबलियां तहलील करने वाला जो मौकफ है वो दुरुस्त नहीं है। तो खान साहब ने वो जब खबर पढ़ी तो उन्होंने एज इट इज वो लिंक उस बंदे को भेजा, उसको कहा कि तुमने ये स्टेटमेंट दी है? उसने कहा मैंने तो नहीं दी स्टेटमेंट। खान ने पूछा खबर कैसे लगी? उसने जो टीवी टॉक शो में बात की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी खान साहब को भिजवाई कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं। तो खान साहब यहाँ तक चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, सही है, ये मैं आपको बड़े वसूल से ही बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी चीज विटनेस की हुई है। तो अगर कोई इस डिसीजन के अगेंस्ट है तो खान उसको खुद काउंटर करके पूछेगा कि क्या तुम्हारा ये मौकफ है, क्या तुम चाहते हो कि असेंबलियां तहलील ना हो? तो मेरा नहीं ख्याल क्या है ना कोई भी पार्टी लीडर उठ के खड़ा होकर कहे खान की वाले से कोई पार्टी से निकल जाना चाहता हूँ, अब खान उस लाइन के पास पहुंचा हुआ है जहाँ सबर उसका जवाब दे चुका है तकरीबन तकरीबन, कि अब किसी ने पार्टी में से गलती की कोशिश की तो उसके लिए वापसी की गुंजाइश नहीं है। फिर खान साहब उसको बाउंड्री के उस पार भेज के कहेंगे कि ठीक है अब आप जाए आप आ गए हमारे साथ और लोगों को मौका दे, वैसे वाले यानी के कि मामला आपके सामने है। कोई ये एक जो तरह से शो का नोटिस में सबर नहीं होना, क्या शो का नोटिस दिया बहुत कल पार्टी से पारे, एक और वो थे जिनने आगे जियो पे हमें के प्रोग्राम में थे उनको शो का नोटिस पारे पार्टी से, अब जो भी ऐसा कुछ करेगा वो पार्टी से पारित हो, इतना कि इमरान खान साहब अपने मौकफ से पीछे ना हट जाए। तो इसमें कोई झंडे की बात नहीं है, पीछे हट भी सकते हैं, इसीलिए अभी तक असेंबली तहलील नहीं की, एक मौका दिया है कि अभी भी वक्त है आप बातचीत के जरिए अपने मामला को हल कीजिए,
और इलेक्शन के लिए किसी टेबल पर आकर बैठे, अगर अब भी नहीं तो फिर इस निजाम से बाहर निकलने के लिए उनके पास एक बेहतरीन मौका है। असेंबलियां तहलील की जा सकती है। पिछले 72 घंटों में असेंबलियों की तहलील के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की खबरें फैलाई गई है कि परवेज इलाही साहब नहीं है, तो कभी कहा गया कि इमरान खान असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे, कभी कहा गया कि लिख कर दे रहे हैं कि इमरान खान असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। तो अगर इमरान खान असेंबली तहलील करते हैं तो उस सूरत में मुश्किल क्या हो सकती है इमरान खान साहब के लिए? मुश्किल हो सकती है बिकॉज जिंदी इंतखाबात की सूरत में पंजाब हाथ से एक तरह से जा सकता है, बिकॉज उनको बहुत कम नशिस्तें चाहिए और वो जिंदगी इंतखाब अगर कराते हैं जो कि तकरीबन लगभग नामुमकिन है कि इतने बड़े पैमाने पर 567 नशिस्तें इसके ऊपर जिंदगी इंतखाब कराए। इसीलिए राणा सनाउल्लाह साहब की ताजा तरीन स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन की सूरत हुई या इलेक्शन की सूरत रही तो फिर हम 2 असेंबलियों में करा देंगे इलेक्शन, लेकिन इसको रोकने के लिए गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। अब बड़ी सिचुएशन क्लियर है कि पिछले 10-12 घंटों के अंदर अंदर सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। बदली इस तरह से कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाया, फिर उन्होंने परवेज इलाही को बुलाया, परवेज इलाही से उन्होंने इस बात की 100% एश्योरिटी ले ली है आज, और परवेज इलाही भी इस बात पर एग्री है कि जब आप कहेंगे दिन और वक्त इमरान तय करेगा। ये बड़ी अहम बात है, असेंबलियों की तहलील के मामले पर दिन और वक्त इमरान खान तय करेगा, सिर्फ अमल दरामद परवेज इलाही करेंगे, ये आज तय हो चुकी है। तो इसलिए अब ये तो कोई अभाव रहा नहीं है परवेज इलाही साथ नहीं है या असेंबलियां टूट नहीं सकती, असेंबलियां टूट सकती है, लेकिन अगर गवर्नर राज लगाना है तो उसके लिए अभी और कानूनी पोजिशन पर भी आज गौर किया गया कि गवर्नर राज जारी इजलास के दौरान लग सकता है कि नहीं। तो ऑप्शन या इसका क्वेश्चन का आंसर है वो ये कि नहीं लग सकता। तो इजलास इस वक्त जारी है और किसी सियाने ने इनको सही मशवरा दिया था, जैसे ही उन्होंने पंजाब हुकूमत संभाली उन्होंने कहा कि ये फिर चली जाएगी आपके हाथ से, वो इजलास आपने कंटिन्यू किया, इसको खत्म नहीं करना, ये जारी रखना है। तो वो इजलास जुलाई से अब तक जा रही है, खत्म ही नहीं हुआ, तो वो इजलास खत्म होगा तो गवर्नर राज मिलेगा, वो खत्म होने से पहले किसी भी असेंबलियां टूट सकती है। तो बहुत सारे कार्ड इस वक्त भी इमरान खान साहब के हाथ में है। तो यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अपने असली मौके पर कायम है, लेकिन आपको कहीं पर लगता है कि ये जो इमरान खान साहब का डिसीजन है, अभी तो विन विन सिचुएशन है इमरान खान साहब की, तो ये जो सारी ये जितनी भी एक्सरसाइज हुई है, अब कुछ ये भी कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है जो पहले जो इमरान खान साहब ने सभी पर दस्तक किए थे, ये सारी चीजें जो है ये बैकडोर मुजाकरात का एक हिस्सा है जिसके थ्रू सारी चीजें हो रही है, तो कुछ इतना ये भी आ रही है कि ये इमरान खान साहब का अपना डिसीजन है, तो आपकी क्या इतलात है इस हवाले से? उनका अपना डिसीजन है इसलिए कि देखिए अगर वो जो लॉन्ग मार्च था उन्होंने एंडिंग नोट करना था, अगर वो इसके बगैर करते तो वो बड़ा एक एम्बेरसिंग सिचुएशन हो सकती थी पीटीआई के लिए। अगर ऐसे ही आगे कहते हैं इस्लाम हमने अपना मकसद हासिल नहीं कर सके तो अभी चलते हैं, तो ये बड़ी एक सोची समझी एक मूव थी, कैलकुलेटेड मूव जिसे कह सकते हैं ना, वो थी कि उन्होंने आके एक ऐसा कार्ड प्ले किया जिससे उनका जो लॉन्ग मार्च था वो भी एंड हुआ बड़े बेहतरीन तरीके से, कि वो उनका जो ग्राउंड था वो उसी जज्बे से उठ के गया जज्बे से आया हुआ। प्लस ये कि ये डिसीजन होने से पहले किसी को भी पता, डिसीजन अनाउंस होने से पहले किसी को पता नहीं था, इमरान खान साहब जब वहां से निकले हैं लाहौर से इस्लामाबाद के रावलपिंडी जलसे के लिए, उस वक्त तक किसी को पता नहीं था। जब वो लैंड किए हैं रावलपिंडी में एयरपोर्ट पर, वहां उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग कॉल की फॉरन एमरजेंसी मीटिंग, जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे, क्योंकि मैंने असद उमर साहब से भी ऑफ द रिकॉर्ड भी जानने की कोशिश की थी जब रावलपिंडी का जलसा होने वाला था, मैंने कहा कि खान साहब का इरादा क्या है, क्या वो आके बैठ रहे हैं या उठ के चले जाएंगे। मैंने रिपोर्ट कहीं नहीं करना, कोर्ट भी कहीं नहीं करना, अपनी इन्फॉर्मेशन भी पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ एक दो चीजें प्लान आउट करनी थी उसके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने मुझे बड़ी क्लियर बात बताई, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल इस बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि खान साहब ने हमें कहा तैयारियां करने को, हमने तैयारियां कर दी, अब वो आके बैठेंगे या जाएंगे इस बारे में सिर्फ उन्हें पता है, वो अनाउंस क्या करेंगे हमें भी नहीं पता और हम भी वेट कर रहे हैं। तो जिस दिन खान साहब का उसको हेलीकॉप्टर लैंड हुआ पिंडी में, और पिंडी में ही उन्होंने ये मीटिंग कॉल की असद उमर शाह महमूद कुरैशी और साहब ने हिदायत कर रखी थी वजीर आला केपी को आने के लिए, तो उनकी मौजूदगी में ये चीज डिस्कस हुई कि मैं इस किस्म का कोई अनाउंस करने जा रहा हूँ। इब्तदाई तौर पर उन लोगों ने गो हैंड दिया कि ठीक है हम आपके फैसले के साथ हैं, और उसके बाद फिर खान साहब ने एक बड़े पैमाने पर मुशावरत लेना शुरू किया, फिर उन्होंने आज परवेज इलाही से भी इस बात की कमिटमेंट ले ली है। तो देखिए 2 हफ्ते कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये नहीं कल ही असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, अगर करनी है तो कल कर दे, अभी कर दे, इसी वक्त कर दे, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे कि अभी भी देर इज सम रूम के किसी से कोई बातचीत हो जाए, कोई बैकडोर रब्ता हो जाए या कोई तारीख मिल जाए किसी जगह पे आके बैठ जाए, क्योंकि अगर एक बार डिसॉल्व हो गया तो हम फिर ना इमरान के हाथ में रहेगा मामला, ना इनके हाथ में रहेगा, फिर तो इलेक्शन की तरफ जाना है मामला।